coming into the videos in the comment section in profile analysis form but hum jo baat kar rahe that is cma delayed pros and cons i'll tell you very honest i just interacted with a lot of people from colleges also who are like among the top colleges through cma nobody have the clue ki cma exactly registration kab hoga हर बार क्या होता था कि you know college की जो top authorities होती थी उनको कहीं ना कहीं पता होता था कि सीमैट कब expected है but इस साल अभी तक किसी को पता नहीं है सेकेंड वीक एक्सपेक्टेड था एंड आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स लाइक सेकेंड वीक खत्म ही होने वाला है ट्वेल्थ फेब्ररी इज नियर अबाउट कल ही है तो लेट्स फिंगर्स क्रॉस कल आते हैं नोटिफिकेशन नहीं आते हैं बाकी नहीं आते हैं तो लेट्स सी हाउ इट गोज हम प्रॉज एंड कॉज की बात कर रहे हैं अगर सीमार्ट डिले होता है प्लीज वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड लेट्स स्टार्ट सो इफ यू आर एन एस्पिरेंट आपने कैट दिया है दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया आपका अच्छा नहीं है एंड आप उस कम पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेज आपने देखे हैं उनकी रियालिटी चेक क्या है तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है कॉलिंग के लिए नंबर दिया है जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को

To prepare for CMAT because it's not only about writing the examination, it's more about scoring in the examination so that we'll be able to get into all the dream colleges what you're targeting through CMAT. I think everybody knows, everybody dreams to get into JBIMS when it comes to CMAT because it is the top colleges through CMAT. It's like 28 lakh rupees, the average package of JBIMS. So that's one thing. So you can work on your strengthness, weaker areas. बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू स्कोर ऑल एंड ऑल द बेस्ट पर्सन टाइल आउट ऑफ योर सीमेंट यू नीड टू वर्क यू नीड टू बैलेंस बिटवीन बोथ योर स्ट्रेंथ राइट उसको और अच्छा करना है और आपके जो वीकेस्ट सेक्शंस हैं उसको इतना करना है दैट बी एबल टू स्कोर एंड आपका जो क्यूमुलेटिव स्कोर है वो आप उसको कहीं ना कहीं बनाए रखो सेकेंड चीज़ है यू नो प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट दिस इज वन कॉन्स्टेंट टिप्स विच एवरी सिंगल एस्पेरेंट हैेरी गुड इन सीमैट कैट फार मॉक्स दो एनालाइज करो वॉट यू डिड रॉन्ग व्यक्तिस्ट मॉक्स है उनको भी दो जो इजिएस्ट मॉक्स हैं उनको भी दो सो यूल गेट टू हैव एन आइडिया उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस करो एंड देन अकॉर्डिंगली जो आपको वीक लगता है उस पर काम करो कंटेंट रिव्यू री फाउंडेशन आपने एक कहावत सुनी होगी अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपकी जो बेस होता है यू you नो know, जो बुनियाद होती है अगर वो मज़बूत नहीं है तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो द सेम योज विज एंट्रेंस एग्जामिनेशन आई इधर इंजीनियरिंग में जे का हो बिकॉज दिस इज वन लाइन विच माई यू नो कोचिंग टीचर्स यूज टू यू नो से अलॉट कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने की ज़रूरत है बिकॉज आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है आप उसके आगे चीजें नहीं कर पाओगे बट अगर आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हैं फॉर यू इट विल बी मच इजियर टू स्कोर इन एनी ऑफ दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन फाउंडेशन कॉन्सेप्ट एंड कोर बिजनेस प्रिंसिपल टू सोलिफाई योर अंडरस्टैंडिंग बिफोर डाइविंग इन टू एडवांस प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम फोकसिंग ऑन अदर एरिया वर्क एक्सपीरियंस क्राफ्ट कंपेलिंग ऐसे सिक्योर स्ट्रॉग रिकमेंडेशन ट्राई टू वर्क ऑन योर प्रोफाइल मोर एंड मोर दैट इज ऑल्सो समथिंग वट यू हैव रिड्यूज स्ट्रेस्ड बूव फोकस अस कम्प्रेस टाइम फ्रेम अलाउज फॉर अ मोर रिलैक्स टाइम स्कड्यूल जब टाइम बहुत कम बचता है तो वी आर लाइक इन हरी एक यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि यू you नो know, पता चले हम प्रिपेयर कर रहे हैं बट सी मार्ट हो ना हो ऐसा नहीं है सी मार्ट होगा सो यू नो हैरी ऑन दैट स्पेसिफिक पार्ट राइट वट यू न्यू टू वरी इज़ कि आपके पास जो टाइम है उसको आप कितना अच्छे से कैपिटलाइज कर रहे हो यूटिलाइज कर रहे हो फॉर द प्रोडक्टिविटी फॉर योर ड्रीम्स यू नो जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो एंड प्रेशर uh, को रिलीज करो परफॉर्मेंस पे काम करो बॉक्स दो स्कड्यूल बनाओ टाइम टेबल बनाओ उस अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करो एंड दैट्स ऑल यू नीड

financial planning the delay might impact your financial aid for scholarship applications if they have specific deadlines clash with other exams strategic prioritization you might need i think almost all exams ho gaye clash to kisi bhi exam ke sath nahi hoga uh, थोड़ा सा increase इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज दस इज कॉन्स्टेंट प्रेशर कि होगा कब होगा एंड कॉलेजेस की डेडलाइंस निकली जा रही हैं ऐसा ना हो सीज भर जाए ऐसा ना हो कि रिजल्ट ऑल और आ जाए और ना हम यहाँ के रहें ना हम वहाँ के रहें तो ये भी कौन है लॉस ऑफ मोमेंटम कई बार यू you नो know, uh... एक फ्लो में आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो क्या दिया जैट दिया स्नैप दिया अब जब आपको पता नहीं है कि कब एग्जाम है तो आप थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन जो है वो पर कर रहे होते हैं आप स्केड्यूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हो सो दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द कॉन्स रिव्यूइंग फॉर गेट इन मटीरियल प्रीवियसली कवर्ड कॉन्सेप्ट माई नीड टू भी रिवाइज इफ़ यू लूज मोमेंटम ड्यूरिंग एक्सटेंडेड प्रिपेशन तो दैट्स ऑल्सो समथिंग बट डिलेड एडमिशन प्रोसेस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो दैट्स बेसिकली द कॉन मेरे हिसाब से सिर्फ जो कॉन मुझे लगता है बींग समी हु टू लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स वेन इट कम्स टू कॉलेजेस एंड एवरी थिंग एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा हैम्पर करेगा सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा हैम्पर करेगा अगर सीमार्टिले सॉरी लेट होता है बाकी उसके अलावा ऐस कोई कॉर्न नहीं है जो दैट अगर सीमार्ट होगा यू हैव टाइम टू स्कोर कई सारे स्टूडेंट्स आर स्टिल स्टार्क वेदर टू अपलाई फॉर कॉलेज और नॉट क्या सीमार्ट के टाइम पर एप्लीकेशन ओपन होंगे नहीं होंगे सो ऑल दीज क्वेश्चन आर हेम्परिंग दैम लाइक अ लॉट सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू जस्ट कीप अ काम जस्ट गो विद द फ्लो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए ज्यादा स्ट्रेस लेने का कुछ है नहीं लिवट ऑन समबडी एल्स जब होगा गेट यू नो यूल फिल फॉर्म Focus on your preparation, preparation, and preparation. Do share this episode with all your friends. Like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.